उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर के विक्रम गांव में बन्ना खेड़ा रोड स्थित पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने बुधवार देर रात फैक्ट्री के गेट के सामने शव रख कर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि गदरपुर के ग्राम रोशनपुर निवासी संजीव वाल्मीकि पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री में काम करता था। आरोप है कि देर रात संजीव की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद फैक्ट्री वालों ने उसकी बिगड़ती हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालत जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे काशीपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। संजीव की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजन संजीव का शव लेकर फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री गेट पर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को समझाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो है 3/7/24 को पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री के एचआर श्री श्री जन मे तिवाड़ी द्वारा सूचना दी गई कि फैक्ट्री में कार्यरत सफाई कर्मचारी संजीव कुमार उम्र 32 वर्ष की रात्रि में तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। हायर सेंटर ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई और जो है इनके परिजनों द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई है जिसमें जांच की जा रही है। कौन सी फैक्ट्री थी और अब तक क्या कारण निकल कर आ पाया मौत का कुछ? अभी सब का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जांच। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ है फैक्ट्री का नाम क्या है? पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री बन्ना खेड़ा क्षेत्र बाजपुर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।